हेलो गाइस, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, इंसुलेटर के टाइप के बारे में बताया था। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, ये नंबर और डिस्क क्या होता है, कनेक्टेड होता है इन स्ट्रिंग। तो होता क्या है, ड्यू टू इसके कारण क्या होता है, देखो ये मेटल है ना और डिस्क लगा हुआ है एक दूसरे में, एक क्या करेंगे मीटर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वो एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट। तो तुम्हारा जो कनेक्ट होता है, ये देखो ये तुम्हारा टावर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस आर्म है, और इधर से तुम्हारा क्या होगा, इंसुलेटर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे से यहाँ से कंडक्टर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, हर एक डिस्क में वोल्टेज ड्रॉप होगा, में वोल्टेज आएगा। ठीक है, एक वोल्टेज को सस्टेन करेगा, और ये जो तुम्हारा क्या होगा, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा, उसी वे का इधर भी एक कैपेसिटेंस का फॉर्म करेगा, अर्थ और ये कंडक्टर के बीच। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है। ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये जो फिगर है वो इक्विवेलेंट सर्किट है, कितना फोर आइडेंटिकल इंसुलेटर यूनिट। देखो एक दो तीन चार, चार आइडेंटिकल तुम्हारा क्या है, इंसुलेटर यूनिट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे हो गया कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो टोटल जो वोल्टेज क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, लेट क्या मान लेते हैं, लेट डा कैपेसिटेंस बिटवीन किसके किसके बीच, मेटल पार्ट ऑफ टू इंसुलेटर, दो इंसुलेटर के बीच, जो मेटल पार्ट के बीच जो होगा इंसुलेटर डिस्क, एंड ट्रांसमिशन टावर, एंड ट्रांसमिशन टावर बीच। देखो इधर एक मेटल से ये कनेक्टेड है यहाँ, और ये तुम्हारा ट्रांसमिशन टावर है, यही ना टावर। तो इसका जो तुम्हारा ले लेते हैं सी, ले लेते हैं कैपेसिटेंस का इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले थे, आइडेंटिकल इंसुलेटर यूनिट। ठीक है, फिर क्या लेते हैं, एम, एम जो लेते हैं क्या लेते हैं, कैपेसिटेंस पर इंसुलेटर अपॉन कैपेसिटेंस टू ग्राउंड, कैपेसिटेंस टू ग्राउंड मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस पर इंसुलेटर पर, प्रत्येक इच इंसुलेटर का कैपेसिटेंस एम सी, और कैपेसिटेंस और ग्राउंड क्या है सी, मतलब इसका जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, एम सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो भी क्या है, भी जो तुम्हारा है ऑपरेटिंग लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज, एंड देखो इसके क्रॉस तुम्हारा मान लेते हैं वी वन, यहाँ पर तुम्हारा वी टू, थर्ड वाले में वी थ्री, और ये फोर्थ वाले में वी फोर होगा ना। तो ये जो भी जो तुम्हारा होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस,
दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से मान लेते हैं करंट I2 जा रहा है, इधर तुम्हारा जाएगा मान लेते हैं IC1 है, और ये जो तुम्हारा करंट आएगा, ठीक है, तो I2 इजिकल टू बोल दें I1 प्लस IC1, क्या? और I2 को क्या बोलेंगे, ये जो करंट है इसको क्या बोलेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं V, इसका कैपेसिटेंस क्या कितना है M × C, तो I क्या होता है, I जो क्या होता है V/Xc मतलब V × ωc, यही होता है ना, तो यहाँ पर जाकर पुट कर दें I2 को हम क्या लिखेंगे, V2 ω × M × C, I1 को कितना लिखेंगे, I1 V1 M × C 2 ω, IC1 कितना लिखेंगे, IC1 देखो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज तो V1 ही अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे V1 × C ω C, कोई दिक्कत, ओमेगा सी को काटते मतलब तुम्हारा क्या होगा M × V2 इक्वल टू क्या होगा M × V1 प्लस V1, मतलब क्या हो गया M+1 × V, ये तुम्हारा हो गया ना, मतलब इससे अगर तुम्हारा V2 का वैल्यू बोलना रहेगा तो तुम क्या बोल दोगे, 1+1 / M × V1 बोल सकते हैं, तो दिक्कत इसी पे का हमको क्या करना है आगे चलो। इसलिए का इसमें करंट क्या जाएगा I3, इधर तुम्हारा IC2, तो बोल दें I3 तो I2 प्लस IC2, तो तुम्हारा क्या होगा ω M C × V3 = ω M C × V2 + ω C, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा V1 प्लस V2 V1 प्लस V2, ठीक है, तो दिक्कत इसका वैल्यू पीछे से तुम V2 का वैल्यू जाके पुट करके लाओ, तो इसमें V3 का वैल्यू कितना आ जाएगा V1 1 + 3 / M + 1 / M, ऐसे ये तो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा मैं तो सजेस्ट करूँगा एक दो लाइन लगेगा इसको बनाने में, बस बनाते जाओ। उसी प्रकार I4 बराबर क्या लिखेंगे IC3 + I3, ए लिखेंगे ना, मतलब क्या लिखेंगे ω M C V4 बराबर ω ω × M C V3 + ω C ×, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा V1 + V2 + V3 V1 + V2 + V3, मतलब V4 का वैल्यू क्या आ गया V1 1 + 6 / M + ये जो वैल्यू है वो पुट करोगे वैल्यू V1 V2 V2 और V3 का V1 के टर्म में, तो वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि M का वैल्यू अगर 5 है तो क्या होगा, V2 1.2 वोल्ट आ जाएगा, V3 1.6 1.2 V1 आएगा, V3 1.6 V1 आएगा, V4 2.408 V1, मीन्स क्या हमको पता चला V1 V2 V3 V4, मतलब V4 सबसे नीचे वाला वोल्टेज सबसे ज़्यादा, फिर ये फिर ये फिर ये, तो इसी प्रकार तुम्हारा क्या होगा I4 I3 I2 I1, ये रिलेशनशिप आ जाएगा, मतलब हमको क्या पता चला पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम होगा नियर द पावर कंडक्टर, पावर कंडक्टर के नियर क्या हो गया पोटेंशियल जो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होता है एज वन मूव
नियर द क्रॉस आर्म, जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म के नियर जाते जाएंगे क्या होते जाएगा वो दिखती। हेंस एम इंक्रीज, अगर एम इंक्रीज होगा तो डिवीजन ऑफ वोल्टेज जो तुम्हारा होगा वो मोल इक्वलाइज होने लगा, मतलब कि जितना ज़्यादा एम इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा तो डिवीजन ऑफ वोल्टेज होगा, मतलब क्योंकि जो वोल्टेज हमेशा जो होना चाहिए लगभग सब पर सेम होना चाहिए, उसके अभी हम आगे बताते हैं। टेस्टिंग इफिशेंसी होता क्या है, पहले ही बताए थे कि जो तुम्हारा जो डिस्क होता है इंसुलेटर का वो तुम्हारा क्या किया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन किया था, क्या था ना। लेकिन जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका V1, इसका V2, इसका V3, ये लास्ट लेक्चर में देखे थे, ये जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन V3 सबसे ज़्यादा था कि जहाँ पर ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपर V2 उससे कम, V1 उससे भी कम, इस वोल्टेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसी का डिटर्मिनेशन ये टेस्टिंग इफिशिएंसी करेगा कि वोल्टेज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन इस इंसुलेटर डिस्क में हो रहा है। तो ये क्या बताता है, एस्टिंग इफिशिएंसी मेजर करता है मेजर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इन द एस्टिंग। देखो इस फॉर्मेशन को एक स्ट्रिंग नाम दिए थे ना, तो ये क्या बता रहा है कि कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मटेरियल का, उस पर ये बताएगा। ये जो तुम्हारा जो ये कैपेसिटेंस फॉर्मेशन हुआ था इसके कारण क्या हुआ था, चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा था, चार्जिंग फ्लो करंट फ्लो होने के कारण तुम्हारा क्या हो रहा था, जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था इंडिविजुअल यूनिट का क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था। तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इज इनडाइजेबल, ये तो सही बात नहीं ना है, ये जो वोल्टेज का तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये तो ये जो एस्टिंग इफिशियंसी क्या बताता है, परसेंटेज एस्टिंग इफिशियंसी जो बताता है वोल्टेज एक्रॉस डी एस्टिंग अपॉन एन एन टू वोल्टेज एक्रॉस द यूनिट एडजेंट टू द लाइन टू। मीन्स इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो जैसे कि इसका अगर निकालना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज तुम्हारा कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई एन, एन तुम्हारा क्या हो गया नंबर ऑफ डिस्क कितना होगा, जैसे इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेंट टू द लाइन, मतलब ये जो लाइन है इसके एडजेंट में ये है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V3 इंटू एन, यही तुम्हारा एस्टिंग इफिशियंसी तुम्हारा। ओके ठीक है, तो एस्टिंग इफिशियंसी इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ वेस्टेज, कभी भी एस्टिंग इफिशियंसी है तो 100% पॉसिबल नहीं है, बट क्या होना चाहिए, एस्टिंग इफिशियंसी हमेशा हाई होना चाहिए, जितना हाई होगा वो इंडिकेट करेगा उतना अच्छा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्रॉस इस इच डिस्क के एक्रॉस हो रहा है, मतलब V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3, मतलब जितना हाई होगा उतना, कि हाँ तीनों जो है लगभग इक्वल।
तो क्या क्या मीटर अब बात होता है, अब स्टिंग इफिशियंसी डिफरेंट आना चाहिए 100%, लेकिन 100% नहीं आ पाता है, तो उसका क्या क्या मेथड यूज करते हैं उसके बारे में ज़्यादा देख लेते हैं। तो क्या बोले, द मेथड ऑफ, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्टिंग इफिशियंसी, कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो पहला क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ एम, एम तुम्हारा क्या था, ये था ना, तो ये तुम लोग को शो किए थे, ये सी लिए थे, ये एम इंटू सी लिए थे, तो ये बोला है सिलेक्शन ऑफ एम। यदि एम को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ क्लॉस आर्म। अगर क्लॉस आर्म का लेंथ अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये एम का वैल्यू नहीं इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना। सी नहीं, गलत बोल दिए, क्लॉस आर्म का अगर तुम इंक्रीज करोगे, अगर ये तुम्हारा क्लॉस आर्म इंक्रीज होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो सी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तब सी का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो डिवीजन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा इक्वलाइज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, स्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इसी का जो वैल्यू ऑफ जो एम, लेकिन जो लाई होता है बिटवीन, कितना होता है, 0 to 110 के बीच होता है। सेकेंड मेथड कौन सा है, बाई कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में जो तुम्हारा क्या हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस इंसुलेशन स्ट्रिंग इज ड्यू टू, किसके कारण, लीकेज करेंट फ्रॉम द इंसुलेटर पिन टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। बोले थे ना इंसुलेटर स्ट्रिंग टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या जा रहा था, लीकेज जा रहा था ना। एंड सिंस द वोल्टेज फॉर ए गिवेन करेंट, जो वोल्टेज है कोई भी गिवेन करेंट का, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम क्या बताए थे, जो सबसे लोएस्ट यूनिट होता है उसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम क्या करें, इसके कैपेसिटेंस को सबसे ज़्यादा रखें, फिर उससे इसको कम रखें, फिर कम रखें, तो इस टाइप से अगर डिजाइन करेंगे, कैपेसिटेंस को ज़्यादा रखेंगे तो उसके कारण इसका वोल्टेज क्या आ जाएगा, कम होगा, इससे कम होगा, तो इस टाइप से मेंटेन करेंगे कि क्या हो जाएगा, सबका वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ठीक है, मान लेते हैं, जरा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कैसे क्या होता है। देखो कितने यूनिट कर ले रहे हैं, 4 यूनिट ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कंडक्टर होगा, ये ले लेते हैं C1,
सी टू सी थ्री ठीक सी फोर, ये तो अपना सी है। तो क्या कहेंगे हमको क्या करना है, सभी के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल करना है। मतलब क्या होगा, इच के अक्रॉस हम अभी क्या लेंगे, वी करना है। ये तो कैपेसिटेंट के अधिक में कर रहे हैं, क्या डस्टिंग इफिशियंसी है उसको 100%, मतलब सभी के अक्रॉस जो डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो वी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये आई टू है, इधर करंट आई वन जा रहा है, इधर तुम्हारा आई सी वन जाएगा। तो हम बोल रहे हैं क्या बोलेंगे, आई टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई सी वन। आई टू को हम क्या बोलेंगे ये बताओ तुम, ये तुम आई टू इसके कॉल वोल्टेज क्या है, वी है, ये 2 मेगा C2। आई वन को क्या बोलेंगे, इसके कॉल वी है इन 2 मेगा C1। आई सी वन को क्या बोलेंगे, इसके कॉल वी है वी इन 2 मेगा C। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बोल दें, ये ओमेगा भी तो कट जाएगा, तो सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर आएंगे, यहाँ पर करंट क्या जाएगा I3, इधर तुम्हारा I2 गया था, इधर मान लेते हैं IC2 गया। तो तुम्हारा I3 बराबर क्या होगा, I2 प्लस IC2। I3 को क्या लेंगे, ओमेगा C3 इंटू ये कितना है भी, I2 को वैल्यू कितना लिखेंगे, ओमेगा C2 इंटू भी। IC2 का वैल्यू क्या है, ये भी प्लस भी 2 भी हो जाएगा, 2 भी इंटू ओमेगा C। ठीक है, मतलब C3 क्या बोल देंगे, C2 प्लस 2 भी 2C बोल दिए ना। तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो ये तो C2 क्या आया था, C1 आया था, C1 प्लस 3C, इसको बोल दें C1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू C। तो इन जनरल अगर बोलेंगे तो CN क्या होगा, CN जो हो जाएगा C1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N-1 इंटू C। अगर तुम्हारा C1 का इजिकल टू 5C दे दिए तो C2 6C होगा, C3 8C, मतलब इसमें क्या होगा, सब C1 C2 C3 का वैल्यू अलग अलग होगा ताकि ये वोल्टेज इक्वल। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक डिस्क जो डिफरेंट डिफरेंट साइज का दे, ये अनइकोनॉमिकल है। इसको अवॉइड करने के लिए अब ये प्रॉब्लम आ गया, तो अब दूसरा मीटर यूज करते हैं। दूसरा मीटर कौन सा यूज करते हैं, अस्टैटिक शील्डिंग। तो अस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो ये सब क्वेश्चन तू को कभी कभी इस टाइप से दे देगा, ये जो हम फिगर बनाए थे ना, वोल्टेज इक्वल कर देगा और वोल्टेज इक्वल करके तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो थर्ड वन क्या है, अस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करने के लिए हम ग्रेडिंग या गार्ड वायर का यूज करते हैं, गार्ड रिंग का यूज करते हैं, इन फॉर्म ऑफ लार्ज मेटल रिंग एज सराउंड द बॉटम यूनिट एंड कनेक्टेड टू द मेटल वर्क एट द बॉटम ऑफ दिस यूनिट। देखो अब इसको बस समझते हैं फिगर से, होता किस टाइप का है तो समझ में आएगा, स्टेटमेंट तो कुछ पता नहीं चला होगा। देखो फिगर बनाते हैं इस साइड में, ठीक है, हम क्या ले लिए, 4 यूनिट पहले लेते हैं,
ठीक है। ये कंडक्टर है, इसको हम क्या किए, एक वायर से क्या कर दिए, गार्डिंग से क्या कर दिए, ये कनेक्ट कर दिए। इसका वोल्टेज तुम्हारा क्या था, ये मानते हैं सी 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 सी, ठीक है। इसमें जो एम सी जैसे सबका, इसका वैल्यू इक्वल है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब आगे क्या करेंगे कि अगर ये करंट क्या जा रहा है, आई टू है, इधर आई वन जाएगा, इधर क्या जाएगा, आई सी वन, इधर से मान लेते हैं करंट आई एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर हम क्या बोलें, आई टू इजिकल टू, देखो आई टू यहाँ पर के सी एल लगाओ, आई टू आ रहा है और कौन सा आ रहा है, आई एक्स आ रहा है, तो आई टू इजिकल टू बोल दें आई वन प्लस आई सी वन माइनस आई एक्स। उसी पे का आई थ्री, ये तुम्हारा आई थ्री, इधर तुम्हारा आई सी टू जा रहा है, इधर तुम्हारा आई बाई आ रहा है, इधर तुम्हारा कौन सा जा रहा है, आई टू जाएगा, आई टू जो लिखी दिए ऊपर, मीन्स आई थ्री को बोल दें आई टू प्लस आई सी टू माइनस आई बाई। उसी प्रकार नीचे को भी है, जो यूनिट है उसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर क्या होगा, वोल्टेज इन इच यूनिट क्या है, भी है, इक्वल है, क्योंकि ये इसी के लिए तो हम यूज कर रहे हैं स्टैटिक शील्डिंग का, ठीक है। तो क्या होगा, आई वन इजिकल टू आई टू इजिकल टू आई थ्री होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल ही है सबका, वोल्टेज भी के कॉस वी, मतलब हर कैपेसिटेंस से तुम्हारा वोल्टेज आई वन अगर जा रहा है इसमें, तो इसमें आई टू, इसमें आई थ्री, तो क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो ये तो आई सी वन इजकल टू आई एक्स बोल देंगे, आई एक्स इजकल टू आई सी वन, आई वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आई वाई इजकल टू आई सी टू। उसी पे का आई जेड, इससे अगर आई जेड जा रहा है, इधर आई सी थ्री जा रहा है, तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई सी थ्री हो जाएगा, एंड शो ऑन, और जितना रहेगा उस टाइप से बोल। मान लो इसको तुम अगर लेके चलते हो आई एक्स इजकल टू आई सी वन को, ठीक है, क्या है, आई एक्स इजकल टू आई सी वन। देखो आई एक्स को क्या बोलोगे, देखो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो इतना वोल्टेज है, तो एक दो तीन, तो थ्री वी बोल दें, थ्री वी इंटू इसका कैपेसिटेंस क्या है, मान लो कुछ भी मान लो कि सी एक्स मान लेते हैं, क्या ओमेगा सी एक्स इंटू आई सी वन। देखो आई सी वन को क्या बोलेंगे, वी इंटू ओमेगा सी, कोई दिक्कत, ये तो कट जाएगा ओमेगा और वी, मतलब थ्री सी एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या बचेगा, कितना इधर सी ये बचेगा ना, मतलब अगर तुम्हारा सी एक्स बोला जाए तो वो क्या हो गया, सी बाई थ्री। ये तुम्हारा एक था, अगर तुम आई, तुम्हारा क्या बोले, आई बाई इजिकल टू क्या बोले थे, आई सी टू, आई बाई को क्या लिखेंगे, टू वी इंटू सी ओमेगा इजिकल टू, इसको कितना लिखेंगे, ये तुम्हारा कितना होगा, इसके क्रॉस टू वी, इसके क्रॉस भी टू वी होगा इंटू ओमेगा सी, या बस इसको सी बाई लेते हैं, ठीक है। मतलब देखो एक चीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो भी सी ओमेगा इजिकल टू एन माइनस वन इंटू भी एक्स ओमेगा,
वी एक्स यहाँ पर सी एक्स, ठीक है। देखो ये था, देखो कितना है, एक दो तीन चार, फोर इंटू इंसुलेटर है ना, फोर इंसुलेटर के लिए हम क्या किए, यहाँ पर तीन आया था, थ्री वी आया था ना, थ्री वी। उसी प्रकार यहाँ पर तुम्हारा कितना, अब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, दो इंसुलेटर, तो यहाँ पर तो देखो तो टू वी सी ओमेगा वाई क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन माइनस टू इंटू वी सी वाई इंटू ओमेगा। इस प्रकार इसके लिए सो, तो इसको एक जनरल फॉर्म में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक जो तुम्हारा सी के जो होगा के सी अपोन एन माइनस के, कैसे बोल सकते हैं। देखो एक्स का वैल्यू, देखो यहाँ पर सी एक्स का वैल्यू कितना आया था, सी एक्स क्या आया बताओ, सी अपोन एन माइनस वन। सी वाई कितना आया, टू सी बाई एन माइनस टू, ये बोले ना, अगर n बराबर तुम 4 लिखोगे तो सी वाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल दें, ये देखो k का वैल्यू सी वाई सी टू तो के सी अपॉन एन माइनस के, याद हो गया ये फॉर्मूला, ये स्टैटिक शील्डिंग। इस फॉर्मूला को याद भी कर लेना, लेकिन ये भी मेथड कैसे हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला कभी याद रहने वाली चीज़ है नहीं, तो याद रहेगा नहीं। तो हम यहीं पर रहने देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फिर थैंक यू।